हम बात कर रहे हैं MTNL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली। 4% के ऊपर का फॉल देखने के लिए मिला है, लगातार गिरावट में स्टॉक। हमने इससे पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था, अगर बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है, रिकवरी दिखा सकता है। बाउंस बैक करके स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं किया, रिजेक्शन और लो ब्रेकडाउन, अगेन छोटा मोटा जंप, रिजेक्शन और लो ब्रेकडाउन। देख सकते ऑलमोस्ट 57 के लेवल से एक जंप आया था, स्टॉक रिजेक्शन फेस कर चुका है, यहाँ से अब और गिरावट दिखा सकता है। इस गिरावट के साथ अगर इस सपोर्ट को अपने 57 का जो सपोर्ट है ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में अगला सपोर्ट बनेगा 54 के लेवल पर, और 54 को ब्रेकडाउन कर जाता है तो 50 तक का भी फॉल स्टॉक हमको दिखा सकता है। अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है, जंप आता है तो फिर क्या, तो वैसे कंडीशन में फ़िलहाल तो हमको थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि देख सकते हैं जंप स्टॉक दिखा रहा है लेकिन क्या सस्टेन हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है। इसीलिए स्टॉक को बाउंस बैक करके इस हाई को जहाँ से दो दफ़ा रिजेक्शन लिया 66 के लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होने देते हैं, याद रखिएगा सस्टेन होने देते हैं। अगर 66 का लेवल ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया तो वैसे कंडीशन में फिर रिकवरी के चांस बनेंगे, फिर MTNL रिकवरी दिखाता नज़र आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल स्टॉक गिरावट में, तो इससे थोड़ा सा दूर रहना ठीक रहेगा, थोड़ा इंतज़ार करना ही ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।